हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट कफ रेमेडी है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को आप काफ़ी ध्यान से देखना बिकॉज इसमें आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाली है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड का मतलब बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वूपिंग। तो जब भी मैं कफ को बताती हूँ तो हमेशा इस वर्ड पे मैं फोकस करती हूँ, दैट इज़ अ वूपिंग। वूपिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो लोग गैस्प करते हैं सांस खांसते वक्त, सांस लेते वक्त, ठीक है, वो होता है वूपिंग। कि किसी को लगातार इतनी भयंकर तेज खांसी आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मरीज़ है वो सांस लेने की बीच बीच में कोशिश कर रहा है, ठीक है। लगातार पैरोक्सियम, इतने कंटिन्यूड पैरोक्सियम है कि मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है सांस लेने की। तो बीच में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें सांस लेने की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी वूपिंग कफ की आवाज़ को नहीं सुन रखा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस आवाज़ को सुन सकते हो जो सुनना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जो आपको कफ में याद ही रखनी है, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहली जो दवाई है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ ड्रोसेरा। ओके, ड्रोसेरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि ड्रोसेरा को जो भी एग्रवेशंस हैं वो नाइट में है, ठीक है। नाइटली एग्रवेशंस आपको ड्रोसेरा में देखने को मिलेंगी। तो आप ये चीज़ देखोगे कि जब भी ड्रोसेरा का मरीज़ जैसे ही पलंग पे लेटेगा या फिर इसका जो सर है वो पिलो को टच करेगा या फिर जैसे ही लेटेगा वैसे ही इसको खांसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पिलो टचिंग है, ठीक है, उसके बाद खांसी हो रही है, तो उसमें आपको तीन दवाइयां देखने को मिलती है। एक साथ में होती है हायोसाइमस, दूसरी र्यूमैक्स, और तीसरी दवाई आप देखोगे कि पलंग के टच होते ही खांसी अगर आ रही है तो बेलडोना। तो ये तीनों दवाइयां जो है ये साथ में ड्रोसेरा के रन करती है कि जब भी मरीज़ को लेटते ही बहुत तेज़ खांसी आती है, बहुत तेज़ जो कफ अटैक आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रोसेरा की वो है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस जब आप देखोगे तो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ को जो भी एग्रवेशंस होते हैं वो इवनिंग के बाद होते हैं, ठीक है। मानो अगर कफ हो रहा है तो इवनिंग के बाद ज़्यादा हो जाएगा, फैटीकनेस आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो भी लिथार्जीनेस है, फैटीकनेस है, खांसी है, एंड द लो ग्रेड फीवर वन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ में शाम के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ड्रोसेरा में भी जो एग्रवेशन है वो नाइट है या फिर शाम के बाद का एग्रवेशन है तो वो आपको देखने को मिलता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ के लिए जो ड्रोसेरा है वो काफ़ी अच्छी दवाई है, जिसमें क्या होता है कि नाइटली सफोकेटिंग अटैक्स आते हैं, नाइटली कफ होता है, जैसे ही मरीज़ पलंग पे लेटा वैसे ही खांसी चालू हो जाती है। ओके, अब ड्रोसेरा के साथ मैं आपको दो दवाइयों के नाम बताती हूँ जिनको आप ऐसे की ऐसे याद रखना, दैट इज़ कॉकस कैक्टाई, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, दैट इज़ इंडिगो। ओके, सो दीज टू मेडिसिंस यू हैव टू रिमेंबर अलॉन्ग विद द ड्रोसेरा। कि कॉकस कैक्टाई में क्या होता है कि मरीज जब तक जो कफ है उसकी उल्टी नहीं कर देगा तब तक उसको खांसी में आराम नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक वो वॉमिट आउट नहीं कर देगा उसकी खांसी ठीक नहीं होगी, बहुत जो है कफ उसके अंदर एक्यूमलेट रहता है कॉकस कैक्टाई के अंदर। है इंडिगो जो दवाई है उसमें क्या होता है कि जब तक नक्सीर नहीं आ जाती तब तक मरीज़ को आराम नहीं मिलता, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसके जो सफोकेटिंग अटैक्स हैं, जो कफ हैं, उनके साथ जो है खांसी के साथ जो
मरीज के नक्सीर आती रहती है, दैट इज़ इन द इंडिको. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द ड्रोसेरा. अब ड्रोसेरा के बारे में ये है, हैनिमेनियन लाइन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मरीज जो है ये ड्रोसेरा का है और आपको पूरा कन्फर्म्ड है, तो आप उसको एक सिंगल डोज 30 पोटेंसी की दो, ठीक है, और फिर 6-7 दिन में जो कफ है वो अपने आप ठीक हो जाएगा. 2-3 दिन में वो अपने आप कम होने लग जाएगा. मतलब आपको सिर्फ एक डोज देनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आराम मरीज़ को मिलने लग जाता है जैसे ही आप एक डोज देते हो. अगर आप अननेसेसरीली और डोज उसको दोगे तो उसकी खांसी जो है वो एग्रवेट हो जाएगी, ठीक होने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी. तो इफ़ यू आर सीइंग एनी पेशेंट्स हैविंग द कफ एट द नाइट, मतलब रात को ज़्यादा खांसी हो रही है, सो ट्राई टू थिंक अबाउट द बेलेडोना, हायोसाइमस, र्यूमेक्स एंड द ड्रोसेरा. सो द सोल ऑफ व्हाट द टुडेज वीडियो आई वांट टू से कि अगर ऐसी खांसी आपको देखने को मिल रही है जिसमें रात को एग्रवेशन है, तो ड्रोसेरा उसकी बहुत अच्छी दवाई है. वूपिंग कफ आपको देखने को मिल रहा है तो ड्रोसेरा उसकी बहुत ही अच्छी दवाई है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द साउंड ऑफ वूपिंग कफ, गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ लिंक प्रोवाइडेड, यू कैन वॉच आउट इट देयर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. आई होप ये जो टिप्स ट्रिक्स थी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम पैथ.